नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो यहाँ निकल के सामने आ रही है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का बहुत बड़ा बयान जो है वो निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है तब और अब में बदलाव नहीं किया जाएगा। इनका इन्फॉर्मेशन, ये क्या बातें कही है, किस चीज के लिए कहा गया है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ साथ हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते। तो देखिए, जैसे ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों को सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कुछ आप लोगों को जमा करने हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको एक प्रोफॉर्मा जमा करना है, जो नहीं आते हैं उनको भी बताना है कि हम नहीं आते हैं और हमने गलत तरीके से फिलअप कर दिया था। तो कल 27 तारीख को आप लोगों का ये भरा जाएगा। उससे पहले ही एक इंटरव्यू हुआ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का, उनका बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आया है। उस बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के सामने आई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तीन क्वेश्चन जो है उनसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि फॉर्म भरा था तब वो एक वुमेन अनमेरिड थी और आज वो मैरिड है, तो उसके लिए क्या प्रोफॉर्मा होगा, इस पे उन्होंने आंसर दिया। सेकंड जो क्वेश्चन था कि तब घर में जॉब नहीं था, आज घर पे जॉब है, इसके इस पे भी उनका बयान आ चुका है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी और आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तब क्या किया जाए, क्या हमें अलग से सोशियो में क्राइटेरिया के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पूरा ये क्वेश्चन तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे काफी बच्चों ने कमेंट किया और मुझे काफी कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे थे, लेकिन मैं चेयरमैन तो हूं नहीं तो मैं अपने तरीके से आप लोगों को राय भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन चेयरमैन साहब का खुद इस पे बयान आ चुका है, वो बयान आपको मैं अच्छे तरीके से पूरी की पूरी चीजों को समझा देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन को हम क्लियर करते हुए जाते हैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है कि पहले एक वुमेन अनमेरिड थी जब उसने फॉर्म भरा, ठीक है, अब वो क्या होगी, मैरिड हो गई है, तो क्या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कुछ चांसेस होंगे या नहीं होंगे। देखिए, जो नियम है, जो नियम वुमेन कैंडिडेट के लिए है वो यही है कि चाहे वो अनमेरिड रहे चाहे वो मैरिड रहे, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर मिलते हैं वो उनके फादर के घर से मिलेंगे। तो अगर आप शादी से पहले आपके घर में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था और शादी आपकी हो गई उसके बाद भी आपके घर में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको 5 नंबर जरूर मिलेंगे। शादी हुई या नहीं हुई इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका दोनों का दोनों केस सेम है। मैरिड वुमेन का भी उसके फादर से ही लिया जाएगा और अनमेरिड वुमेन का भी उससे फादर से ही लिया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये चीज उन्होंने बताया अपने बयान में, ऑफिशियली बयान में बताया कि जो भी चीजें हैं अनमेरिड और मैरिड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चीजें होंगी उनके फादर से घर से लिया जाएगा। अगर फादर के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको 5 नंबर नहीं दिया जाएगा, और अगर फादर के घर में कोई जॉब में नहीं है तो उनको 5 नंबर जरूर से जरूर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही प्रॉब्लम सबसे क्रिएट कर रही है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भरते समय अगर इन घर पे जॉब नहीं थी, आपने जो है वो फॉर्म भर दिया, बताया कि गवर्नमेंट जॉब घर में नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया, अब जैसे जैसे फॉर्म भरता गया, आपका एडमिट कार्ड आया, एग्जाम हुआ, उसके बीच में किसी को जॉब लग गया है, चाहे वो भाई है बहन या किसी को भी जो है घर में जॉब लग गई, तो अब क्या जो आपने फॉर्म भरा था क्या आपको 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपने क्लेम किया था चाहे नहीं किया था लेकिन आपको 5 नंबर नहीं दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों है, देखिए प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि जब आपने फॉर्म भरा तो आपने कह दिया कि मेरे पास जॉब नहीं है इसलिए आपने 5 नंबर का सोशल मीडिया क्राइटेरिया के फॉर्म में लगा दिया, क्लेम कर दिया, लेकिन अब जॉब हो गई है तो गवर्नमेंट एचएसएससी ये बोल रही है कि अब जॉब हो गई है इस वजह से हम आपको 5 नंबर नहीं देंगे। मतलब जब वो डीवी कराती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है, तो उस टाइम पे भी वो क्या करते हैं, अंडरटेकिंग लेती है। अंडरटेकिंग में वो देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास जॉब है कि नहीं है। देखिए, इस चीज पे थोड़ी सी अनबन हुई है, क्योंकि अगर आपने कुछ चीजों के लिए ये कहा कि जैसे ही आपने फॉर्म भरा उसी चीज को हम मेन प्राइमरी थिंग मान लेंगे, तो जब हमने फॉर्म भरा तो उसमें हमने जॉबलेस दिखाया था कि भाई घर में जॉब नहीं है, तो अगर आज घर में जॉब हो गई है तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है, क्योंकि भाई जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं उनकी गलती ये नहीं है ना कि हमारा भाई को मिल गया जॉब या हमारी बहन को बीच में जॉब मिल गया, क्योंकि आपने फॉर्म भराते समय तो ये क्लेम हमसे ले लिया था कि हमारे घर में जॉब नहीं है, अब बीच में किसी का जॉब लग जाएगा तो उसका फायदा हमें तो मिलना चाहिए। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का साफ साफ कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो हम अंडरटेकिंग लेते हैं उसको बेस मान के आगे की प्रक्रियाएं कंप्लीट की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए
एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जो वहां पे इंटरव्यू ले रहे थे, कि एक बच्चे का क्वेश्चन था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था जब हमने फॉर्म भरा था और आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो क्या हमें 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे उनका दूसरा राय, यहीं पर प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर उनका यह मानना है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि जब फॉर्म भरते समय उसको हम प्राइमरी मान लेते हैं। तो जब आपने यहाँ पे फॉर्म भरते समय को प्राइमरी मान लिया और आप सेकंड वाले पॉइंट में आप फॉर्म भरते समय को प्राइमरी नहीं मान रहे हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हुई। इंटरव्यू उनका सब कुछ सही चला, लेकिन इस पॉइंट पे वो फंसते हुए नजर आए और इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए कि जब फॉर्म बच्चे ने भरा और उन्होंने कहा कि मैं जॉबलेस हूं, तो जॉबलेस जब फॉर्म भरा उन्होंने और आज उनके घर में जॉब है, तो उस बच्चे की गलती तो नहीं है, तो आपने इसको प्राइमरी क्यों नहीं माना? और आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था तो उसको प्राइमरी मान लिया, आपने बोल दिया कि फॉर्म जिसमें भरा था उसमें जो आपने भर दिया वही मान्य होगा। तो आपको यहाँ पर भी जॉब में भी इस चीज को मानना चाहिए, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हम कुछ नहीं कह सकते। उनका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी मानना है, वो इस तरीके से चलते रहते हैं और उसके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इनका यहाँ ये बोलना था कि अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था जब आपने फॉर्म भरा था, तो अभी भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज उन्होंने स्पष्ट किया है। अगर आपको इसमें तीनों पॉइंट में किसी चीज में कोई गड़बड़ी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आपका राय क्या है इसके बारे में जरूर हम जानना चाहेंगे कि आप इस तीनों चीजों को सही मानते हैं या किसी चीज को गलत मानते हैं। देखिए मेरा एक ही राय है कि अगर आपने एक प्राइमरी थिंग तो जरूर होनी चाहिए, चाहे प्राइमरी आप डीवी के समय ले लीजिए और चाहे आप प्राइमरी आप फॉर्म भरते समय ही मान लीजिए। अगर आपको प्राइमरी मानना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो चीजें मिल रही हैं उसको आप मान लीजिए कि हाँ भाई जॉब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, घर में जॉब भी हो गई या घर में जॉब नहीं है या अनमेरिड है मेरिड है, वो सब की चीजें तब आप एक प्राइमरी थिंग बनाइए। ये मेरा मानना है कि प्राइमरी थिंग होना चाहिए, किसी चीज को बेस लेके आप काम करिए। बेस ही क्लियर नहीं है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में वो बोल रहे हैं कि देखिए जॉब अगर उस समय नहीं थी, अगर आज है तो आपको भाई हम 5 नंबर नहीं देंगे, लेकिन आप ग्रेजुएशन के केस में कह रहे हो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी तो हम 5 नंबर नहीं देंगे। क्यों भाई? क्योंकि आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए तो 5 नंबर तो मिलना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस का नंबर वो नहीं दे रहे हैं, ग्रेजुएशन का नंबर नहीं दे रहे हैं। तो इनका एक बेस जो है वो क्लियर नहीं है, मेरा मानना है। आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अभी के लिए नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ साथ हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन की तरफ से जितने भी न्यू अपडेट लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती है, हमारे पास आती है, आपको तुरंत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।